में क्या सोचा था हम बनेंगे और हम सच में क्या बन गए, सभी की यही कहानी है। सपनों की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो देखो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर आने वाली एक नई इंडियन मूवी के बारे में, जिसका नाम होने वाला है विजय 69, जिसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले अनुपम खेर सर और साथ में आपको देखने को मिलने वाले चंकी पांडे, जो कि एक तरीके से फील गुड ड्रामा टाइप की मूवी होने वाली है। और आज ही जो उसका ट्रेलर है वो हमारे सामने निकल के आया। अब ये मूवी किसको पसंद आने वाली है, किन लोगों के लिए है, किन के लिए नहीं है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा अलाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो बात करते हैं कि इस मूवी की स्टोरी जो है वो फॉलो करने वाली है एक ऐसे बुजुर्ग आदमी को जिसको ऐसा लगता है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव नहीं किया है जिसके बारे में लोग उसके मरने के बाद बात करेंगे। तो वो डिसाइड करता है कि इस तरीके से 69 ईयर्स की एज में वो एक ऐसे कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेने वाला है जिसके अंदर जो है 1.5 किलोमीटर की स्विमिंग होने वाली है, 40 किलोमीटर की साइकिलिंग होने वाली है और 10 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है। कोई भी अगर इस एज के अंदर ये बात को डिसाइड करेगा और किसी को बताएगा, लोग उसके ऊपर हंसने ही वाले हैं। अब इसी कमाल की जो इंस्पिरेशनल जर्नी है, इसी चीज को जो है मूवी आप लोगों के सामने रखने वाली है और मूवी जो है वो आपको फील गुड वाइब के साथ जो है काफी ज्यादा इंस्पायर करने वाली है। और आपको देख के समझ में आ रहा है इसका ट्रेलर कि ड्रीम्स की कोई एज नहीं होती है और उसको फुलफिल करने के लिए एज एक फैक्टर नहीं है। और इसी कमाल की जर्नी को, इसी कमाल के मैसेज को ये मूवी जो है आप लोगों तक कन्वे करने की कोशिश करने वाली है, जो आपको नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर जो है 8 नवंबर को देखने को मिलने वाली है। और जिस तरीके का इसका ट्रेलर बन के निकला है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बाय अनुपम खेर सर, चंकी पांडे सर, डेफिनेटली इतना बोला जा सकता है कि हाँ ये मूवी जो है वो वर्थ वॉच होने वाली है। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं, देखो इसके अंदर आपको जिस तरीके की कास्टिंग देखने को मिल रही है, इसका जॉनरा जो है फील गुड ड्रामा कॉमेडी टाइप की होने वाली है। अनुपम सर की जो है कमाल की एक्टिंग परफॉर्मेंस होने वाली है, ऊपर से चंकी पांडे जब कॉमिक टाइमिंग अपनी दिखाएंगे तो डेफिनेटली ऐसी कॉमिक टाइमिंग होने वाली है, ऐसी कॉमेडी होने वाली है जो डेफिनेटली फैंस को पसंद आने वाली है। साथ में को बात करें, जिस तरीके से ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा आई वुड से एक कमाल की जर्नी आप लोगों के सामने रखने वाली है। और मुझे लगता है कि अगर मूवी ने अपना मैसेज जो है सही तरीके से डिलीवर कर दिया इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, तो ये मूवी जो है वो बढ़िया बन के निकलने वाली है, जिसका आइडिया पूरी तरीके से आपको इसका ट्रेलर को देख के लग जाता है। और देखो जहां तक बात रही इस मूवी की टेक्निकलिटीज के बारे में, इन टर्म्स ऑफ कैमरा वर्क, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से लोकेशंस को यूज किया गया है, और एक फील गुड वाइब वाला जो एनवायरमेंट है, नेचर है, कैसे एक आदमी जो है काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसकी एज भी एक फैक्टर है, तो वो सारी बातें जिस तरीके से इस ट्रेलर के अंदर सामने निकल के आई है वो डेफिनेटली फैंस को जो है इसको लेके हाइप करती है। और देखो ये बात पूरी तरीके से आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आप लोगों को फील गुड मूवीज जो है पसंद आती है तो आपको ये मूवी पसंद आने वाली है। अगर आप लोगों को शोर शराबा चाहिए, मास एक्शन चाहिए, तो ये मूवी आपके लिए कहते ही नहीं है। ये एक फील गुड ड्रामा टाइप की कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसको डेफिनेटली आप विद फैमिली वॉच कर पाओगे, ऐसी मैं पर्सनली उम्मीद कर रहा हूँ। तो मेरे को पर्सनली जो इसका ट्रेलर है वो काफ़ी पसंद आया और मैं बोल सकता हूँ कि हाँ नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट के ऊपर काम हुआ है और उनकी इम्प्रूवमेंट पूरी तरीके से साफ साफ दिख रही है। तो आप लोगों ने इसको चेक कर लिया है, नहीं किया है, आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियंस है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो अब तक देखा है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक करो और ऐसे और कॉन्टेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।